भैया आप भी आ जाइए। नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आज नजीबाबाद ब्लॉक से जलील पुल ब्लॉक के लिए सहायता समूह की महिला, स्वयं सहायता समूह की महिला रवाना हुई, जिनका उद्देश्य महिलाओं को जाकर वहां पर अभिषेक देना। मैं नजीबाबाद ब्लॉक में ब्लॉक मिशन कार्यरत हूँ और ये दीदियाँ हमारी 30 टीमें निर्धारित हुई हैं जिले से और लखनऊ से भी निर्धारित हो रखा है। इनका ये है कि ये विभिन्न ब्लॉक में जाके ग्राम संगठन का चयन करेंगे, ग्राम संगठन बनाएंगी, समूह की देखरेख करेंगी। तैनात में इस समय हमारे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में किरतपुर में जा रही हैं, किरतपुर के बाद जाएंगे आपके हरदौर और मोहम्मदपुर देवघर। नजीमाबाद में भी 8 टीमें रुकेंगी। ये विभिन्न पंचायतों में जाके ये समूह संचालन हो रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा, वो संचालित करके इनकी देखरेख करेगी और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का फायदा समूह की गरीब महिलाओं को उपलब्ध करवाएंगे। खाते खुलवाएंगे, जो समूह में लेन देन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड इनके जो रजिस्टर्स हैं वो कम्प्लीट करवाएंगे और सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराएंगे, जिससे क्या है छोटे एक लघु उद्योग गांव में लागू हो सके और महिला स्वावलंबन हो सके। आपका शुभ नाम क्या है? दीक्षा कटारिया। आप कहाँ के लिए प्रस्थान कर रही हैं यहाँ से? देवमल ब्लॉक। क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर जा रही हैं आप? सर, वहाँ पर जो समूह गठन हुआ है उनके लिए ग्राम संगठन का गठन किया जाना है, तो उसी के लिए यहाँ से जो है टीम जा रही है। कितने दिन के लिए जाएंगे आप? सर 40 दिन के लिए। 40 दिन वहीं रहेंगे आप? जी। क्या मेरा नाम सुमन देवी है जी, और यहाँ से हम लोगों की टीम जा रही है देवमल ब्लॉक में। वहाँ पर जो समूह गठन हुए हैं उनको प्रशिक्षण दे करके हमें ग्राम संगठन गठन करने के लिए भेजा जाना। कितने दिन रहेंगे आप वहाँ? 40 दिन पर रहेंगे, 40 दिन के लिए रहेंगे। नेता जी, हमारी टीम यहाँ से देवल ब्लॉक जा रही है 40 दिन के लिए। जो गांव में समूह बने हुए हैं अच्छी जी, उन पर गठन ग्राम संगठन बनाने के लिए हम लोग वहाँ उपस्थित हैं।